के लिए बहुत से हमारे दोस्तों की ख्वाहिशात थी कि ये स्टेडियम जल्द से जल्द तामीर हो। उसमें हमारे फेडरेशन के सदर जनरल सेक्रेटरी इमाम बख्श बलोच साहब का, रहीम बख्श बलोच साहब का, करीम भाई का और बहुत से दोस्तों की ख्वाहिश शामिल थी। हमारे इलाके से हमारे जो पार्टी के रहनुमा, पार्टी के अहदेदारान रेबिका बागोड़ की और शौकत शेखी, दाऊदा नूर मोहम्मद, नवीन बख्श, अमजद जंदाल और ख़ास तौर पर पूरे गोलेबार की जो फुटबॉल की छः टीमें थी उन्होंने काफ़ी मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा आपको मिला है। और ये जब आप यहाँ पर आए तो काफ़ी काम इस ग्राउंड के बाकी हैं जो करने हैं। यहाँ पर आकर देखा तो लाइट्स भी इस ग्राउंड पे नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला इस ग्राउंड में स्ट्रीट लाइट्स भी आपको लगा के देंगे। जो आपके ग्राउंड के पिच का मसला है, जो ग्रासी है, मेरे ख्याल में उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, वो भी हम आपको करके देंगे। और दीगर जो मसले हैं आपके इंतजाम के हवाले से, ग्राउंड को मेंटेन करने रखने के हवाले से, जो हमारे पास जो माली की कमी है उसको भी इंशाल्लाह ताला पूरा करेंगे। और दीगर जो भी मसाइल हैं, मैंने आपके टूर्नामेंट इंतजामिया और यहाँ पर जो मुंतजमीन थे उनसे बात हो गई है। इंशाल्लाह ताला जो भी आपके डिमांड है वो तीन चार दिन में आपको बुलाकर इंशाल्लाह ताला उनको हल करेंगे। जो मसाइल होंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा गुलीमार के लोगों के लिए, पार्टी के वर्करों के लिए काफ़ी मेहनत की है। और जो जो आप देख सकते हो ये बराबर में पार्क है, उसकी भी हम बहुत जल्द ओपनिंग करेंगे, उसको मज़ीद बेहतर करेंगे। और अपने जिस तरह आपने देखा कि गुलीमार में पानी का एक बहुत बड़ा मसला था, बहुत से दोस्तों की हमारी शिकायत थी, कल रात वो पानी की कनेक्शन भी लगा दी गई है, उसमें भी काफ़ी बेहतरी होगी और मज़ीद काम भी इंशाल्लाह ताला आपके इलाकों में होंगे। और गुलीमार इलाके में चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने आपके लिए 10-10 करोड़ रुपये एडीसी में रखे हैं। इंशाल्लाह ताला आपने देखा होगा कि 2-3 NITs आ गई हैं, जो अखबारों में भी आ गई हैं, उन पर काम भी शुरू होने जा रहा है, मजीद NITs भी आ रही हैं और 1-2 महीने में सारे काम अखबारों में आएंगे, तो आपके इलाकों में हम काम करवाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर यहाँ पर पीपल्स पार्टी को मजबूत करेंगे और यहाँ पर अगला MPA MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवा करेंगे, ताकि हमारे इलाके में मजीद तरक्याती काम हो, मजीद हमारे मसाइल हल हों। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं असद वलिया में भी ग्राउंड की तामीर का काम शुरू किया गया है सदर साहब ने कहा, और दीगर भी मुख्तलिफ इलाकों में पानी का काम, सीवरेज का काम, पेवर ब्लॉक का काम, रोड कारपेटिंग का काम, हर जगह पर हमारे काम हो रहे हैं, ये हम काम करवा रहे हैं। ये वही DMC थी जहाँ पर इख्तियार का रोना रोते थे, ये वही KMC थी जहाँ पर इख्तियार का रोना रोते थे कि हमारे पास कुछ नहीं, हम काम नहीं करा सकते। आप देख सकते हो कि कराची का जो एड्रेस रिपोर्ट था वहाँ पर बैठ कर कितने काम कराना है, ये पीपल्स पार्टी का ज्याला है। और DMC में आपने देखा कि यहाँ पर जो स्पेशल असिस्टेंट है आसिफ खान साहब हैं, अली अहमद जान साहब हैं, वो कितने काम करा रहे हैं और आपकी तहजीब भी आपके साथ मिलकर कितने काम करा रही है। मैं इंतहाई शुक्र गुजार हूँ वाजा ब्रादर्स का, तमाम हमारे दोस्तों का और टूर्नामेंट इंतजामिया का, तमाम लोगों का, खासतौर पर हमारे साथ कराची डिवीज़न के आदि सती साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, कराची डिवीज़न यूथ के सदर हमारे राशिद कास्करी साहब भी मौजूद हैं, मुनीर भटक साहब हैं, दीगर दोस्त हैं सबका, PSF के सदर भी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर अपने इलाके के मसाइल को बेहतर से बेहतर हल करने की कोशिश करेंगे और हम सब साथ होंगे, ये सारे काम होंगे। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत। सच की तलाश।